ये है गूगल ग्रांट, ये आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको यहां पे ये मिलेगा कि रीच मोर डोनर्स ऑनलाइन विद गूगल एड ग्रांट, जो बहुत अच्छी चीज है। इसमें आपको बेनिफिट्स क्या क्या है कि आप अपनी अवेयरनेस के लिए, जो कॉज है आपका कारण है उसके लिए अवेयरनेस आप बढ़ा सकते हैं। आपके अगर वेबसाइट्स हैं, अगर आपके पास वेबसाइट है और ऐसा कुछ है टूल जहां पे, और हाँ एक चीज और, जो लोग अपना ऑनलाइन स्कूल खोलना चाहते हो वो लोग भी मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको ऑनलाइन स्कूल बिल्कुल फ्री में स्टार्ट करवा दूंगा। सारी चीजें कैसे क्या वो नेक्स्ट वाली मीटिंग में हम करेंगे। आपकी मार्केटिंग, जैसे मैंने बताया था ना कि सेवन सेवन पिलर्स हैं, सेवन हॉर्स हैं, सेवन हॉर्स में नंबर वन हॉर्स आता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग का मतलब होता है प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब होता है कि लोगों को आपके बारे में पता हो, जिसको हम बोलते हैं प्रमोट करना। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपके लिए बहुत जरूरी है, जैसे हो गया यूट्यूब है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, गूगल, यहां पे आपकी प्रेजेंटेशन होना चाहिए। सक्सेस का पहला रूल होता है शो अप, तो शो अप करना बहुत जरूरी, मतलब लोगों को मालूम हो। जैसे अधिकारी है कुछ है तो वो आजकल जाते नहीं है, पर्सनल विजिट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको पहले नंबर पे गूगल करते हैं लोग। तो आप अगर मेरा, मुझको आप चेक करेंगे तो आप गूगल पे मेरा नाम डालें RAJEFL करके, तो आप देखेंगे कई हजार पेजेस मेरे खुल के आ जाएंगे, तो उसमें आदमी चेक कर सकता है। तो अब क्या है, अब उसमें आपको ऑनलाइन जो एडवर्टाइजिंग है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, उसमें लगता है पैसा, एड एड करने के लिए पैसा लगता है ना। तो आपको अगर आपके पास एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको $10,000 per month मिलेंगे। अभी देखिए मैं दिखाऊंगा आपको, आपको चेक कर लीजिएगा इसमें अप्लाई कैसे करना है, मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। रीच द पीपल हु नीड योर हेल्प, किन लोगों को आपकी जरूरत है वहां तक आप पहुंच सकते हैं, और आपको डोनर वॉलेंटियर सब मिल सकते हैं। ये है देखिए, गूगल एड ग्रांट वर्क्स, यू विल रिसीव $10,000 ईच मंथ, हर महीने आपको $10,000 मिलेंगे। काहे के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए। आप गूगल पे एडवर्टाइज कर सकते हैं, ठीक है, आप फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, डिस्कवर हाउ गूगल ग्रांट्स एड, डोनेट करने के लिए सपोर्टर्स आपको, ठीक है, डायरेक्ट रिलीफ है, ये फाउंडेशन है, ये सक्सेस स्टोरीज हैं जिनको देखिए, ये यूट्यूब के लिए मिला है, ठीक है। यूट्यूब पे ऐड होता है, कैसे होता है ऐड मार्केटिंग, वो अलग टॉपिक है, वो हम अलग बात करेंगे, आज हमको ये मेन टॉपिक है, इसको क्लियर करना है। यूट्यूब नॉन प्रॉफिट प्रोग्राम, यहाँ पे जाएंगे तो उधर से मिल जाएगा कौन कौन से टूल्स हैं, क्या क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, तो सी एलिजिबिलिटी देखेंगे और गेट स्टार्टेड है। इसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ आपको रिक्वेस्ट है गूगल फॉर नॉन प्रॉफिट अकाउंट, आपको सिर्फ एक अकाउंट ओपन करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक अकाउंट आएगा आपके सामने, यहाँ पे आपको अपनी संस्था को साइन अप करना है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे, ये जैसे आपका कंफर्म गूगल अकाउंट है, मैं अपने अकाउंट से, या आपको देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको अपने जीमेल आईडी से कंटिन्यू करना है। मैं एक दूसरी आईडी दिखा रहा हूं जिनका मैंने किया था और जिनका अप्रूव्ड हो गया है, वो मैं आईडी शो कर रहा हूँ, एक सेकेंड है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका स्कूल नहीं होना चाहिए, अकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए। अगर वो है, मतलब आप एजुकेशन की फील्ड से हैं, तो गूगल फॉर एजुकेशन ये अलग है, मतलब यहां पे नहीं करना है आपको, आप उसके लिए अलग करेंगे। दूसरा है ये कि आपका हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये इनएलिजिबल है ना। फिर है नॉट ए गवर्नमेंट एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन, अगर गवर्नमेंट के हैं तो वो भी नहीं हो पाएंगे, फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो वो भी नहीं हो पाएंगे। फिर कह रहा है वेयर इज योर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड, आपकी कहाँ पे है, सिंगापुर में है, हांगकॉन्ग में है ना, दुबई में है, लंदन में है, तो वहां नहीं, आपको इंडिया वाली चाहिए। और अगर कहीं और है, हांगकांग है, तो यहां से आप पाकिस्तान में हैं, आप थाईलैंड में हैं, स्विट्जरलैंड में हैं, टर्की में हैं, यूनाइटेड स्टेट में हैं, वियतनाम में, जहां पे भी हो वहां से आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे। फिर आप करेंगे, क्योंकि ये देखना है कि ये जो गूगल एड है ये कुछ कंट्रीज में अभी स्टार्ट हुई है, हर कंट्री में नहीं स्टार्ट हुई है। फिर नेक्स्ट करेंगे, यहां पे आपको एक टोकन चाहिए होगा, तो टोकन के लिए क्या करना होगा, आपको यहां से एक टोकन लेना होगा टेक्सूप से। तो टेक्सूप से जब टोकन आपको मिल जाएगा, फिर आप यहां पे डाल के नेक्स्ट कर देंगे, तो टोकन कैसा होगा, इस तरीके से बन के आएगा। टोकन कैसे होगा देख लेते हैं अभी।
हमको टोकन चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ ये आया टेकसूप। अब टेकसूप है यहाँ पे, तो आपको टेकसूप पे एक वो चाहिए आईडी, तो आईडी आपको मिलेगी तो आप उस पे कर पाएंगे, ठीक है। यहां से आपको लेना पड़ेगा। अब अगर इंडिया में हैं आप तो इंडिया पे, इन इंडिया, तो इंडिया में यहां से तो न्यू टू बिग टेक पे आप क्लिक करेंगे, गेट वैलिडेट विद बिग टेक, ठीक है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो शो माय वैलिडेशन टोकन पे करेंगे, और अगर पहले से नहीं है तो यहां पे गेट वैलिडेट विद इस पे करेंगे। ये आपका खुल के आ जाएगा, और यहां पे आपको रजिस्टर नाउ पे करना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे करेंगे तो रजिस्टर नाउ पे पहले नंबर पे आपको ये साइन अप करना है, फिर रजिस्टर योर नॉन प्रॉफिट, फिर यहां पे आपको अपनी सोसाइटी या उसको करना होगा। तो पहले नंबर पे जब साइन अप करेंगे आप तो साइन अप, याद रखिएगा एक चीज, इसमें जब अप्रूव होगा उसके बाद ही आपका सब कुछ होगा। अगर आपका अप्रूव नहीं होता है इसमें तो आगे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और इसमें अप्रूव होने की एक ट्रिक है कि आप बार बार फिल करेंगे लेकिन नहीं अप्रूव होगा, वो कहेगा यू आर नॉट अप्रूव्ड, तो वो उसके लिए तरीका है। अब यहां पे आपको सिंपल डिटेल्स फाइल करनी, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी संस्था सबकी रजिस्टर करवा दूंगा इसमें। यहाँ पे सब डिटेल भरेंगे, जॉब टाइटल भरेंगे, कंट्री सिलेक्ट करेंगे, सिंपल है, मेंबर नेम भरेंगे, अपने ईमेल एड्रेस भरेंगे, कंफर्म करेंगे, पासवर्ड पॉलिसी, आई एम नॉट रोबोट, क्रिएट न्यू अकाउंट, बस। जैसे ही आप ये करेंगे आपको एक कंफर्मेशन मेल पहुंचेगा, कंफर्मेशन मेल पे क्लिक करके फिर आपकी जो कंपनी है, जो संस्था है, उसको आपको रजिस्टर आप कर पाएंगे। जैसे ही आप उसको रजिस्टर कर पाएंगे, काम आपका डन। अभी मैं ग्रुप में जितनी भी संस्थाएं हुई हैं उनका पूरा वो भेज दूंगा कि कैसे और कौन कहां पे रजिस्टर्ड हुआ, बस इतना सा सिंपल काम करना है। तो ये एक हुआ गूगल, अभी इसी तरीके से फेसबुक है और यूट्यूब है, ठीक। आवाज नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको दोबारा आपको भेज दूंगा, ये जो है इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो उसको रिपीट कर करके दोबारा देखते रहिएगा, और 8 बजे दोबारा फिर से आ जाएंगे दूसरी मीटिंग में, है ना। ये रिकॉर्डिंग रहेगी, तो रिकॉर्डिंग में क्या है, आप 20 बार इसको आगे पीछे करिए, ये आपकी इशारों पे नाचेंगे, जो सर हैं बैठे हुए, ये जैसे कहोगे वैसे डांस करेंगे आपसे, ठीक है। तो जितनी बार आप कहेंगे, जहां जहां कहेंगे, जैसे डांस करेंगे वैसे डांस करेंगे, ठीक। एक चीज होगी, अब दूसरी चीज जल्दी जल्दी मुझे बताना होता है क्योंकि टाइम होता है कम, दूसरे लोग अभी फिर लाइन पे लगे हुए हैं। अब दूसरी चीज मैं कह रहा था, हाँ, रोड सेफ्टी वाला जो है वो देख लेते हैं, रोड सेफ्टी वाला क्या है। रोड सेफ्टी, ये रोड सेफ्टी है, ये ऑनलाइन आ नहीं रहा, आ गया ये, इसकी 30 तारीख लास्ट डेट है भाई साहब। बहुत सारे लोग इसको फिल करवाने के लिए आपसे 6,000, कोई 8,000, कोई 10,000, कोई 20,000, 25,000 रुपए भी आपसे मांगेंगे, बट आप लोग एक भी रुपया मत दीजिएगा किसी को। आपको यूजर मैनुअल और इसकी एक वीडियो मैंने बना ली है सबकी, कि कैसे आपको फाइल करना है, पूरी पूरी वीडियोस हैं, तो वैसे आप फाइल करिएगा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे बता दीजिए, मेरे पास टीम है, बंदे हैं, मैं सबकी कर दूंगा। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने भेजा, मैंने सबकी करवा दी है जिन्होंने मुझे भेजा था, ठीक है। तो बाकी आप चाहेंगे, कहां गई वो स्क्रीन, एक मिनट में फिर से स्क्रीन शेयर कर दूं। हाँ ये है, तो इसको ये है, ये वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाएंगे, स्कीम प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये लिखा है गाइडलाइन इसकी, और ये है, ये क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर, जैसे ही आप इस पे ऐसे क्लिक करेंगे, ये आ गया भाई आपका। यहां पे पहले से अगर आपने फाइल कर रखा है तो ठीक, नहीं कर रखा है तो रजिस्टर हेयर करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसके कुछ शर्तें हैं, तो इसमें क्या करना है, आप दो लोग मिलके काम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा, वो
एलिजिबल हैं, उनके पास सारे मानक हैं, उनके पास सारे क्राइटेरिया हैं, कंप्लीट हैं, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं कोलैबोरेट। कोलैबोरेट जानते हैं ना। तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखा करिए, आप हमेशा पापा मत बना करिए। पापा मतलब होता है बस सिर्फ पाना पाना, मैं बराबर बोलता हूं, थोड़ा खाया करिए, थोड़ा फेंका करिए। आप क्या सोचते हैं, आप सोचते हैं पूरा पूरा बस हमको मिल जाए, किसी और को ना मिले, है? तो ऐसे नहीं, आप थोड़ा खाइए थोड़ा फेंकिए, मतलब स्टार्टिंग में आपके पास क्या है सीखा करिए, है ना। तो पापा नहीं बनना होता है, पापा मतलब सिर्फ पाते हैं, पापा बस बस हमको ही मिल जाए, अपने पेट है तो अपना नहीं, थोड़ा खाइए थोड़ा फेंकिए। तो जो लोग साथ में हैं उनके साथ मिलके कोलैबोरेट करके, आधी भैया तुम आधी हम, नहीं आधी मिले थोड़ी एक्सपीरियंस तो मिलना, तो इस तरीके से आप काम कीजिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं सर, जब तक मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट पूरी वो कागज नहीं होंगे तब तक मैं, भैया मत करो, बैठे रहो। बैठे रहने से नहीं है, आपको आज ही करना है, अभी तुरंत स्टार्ट करिए, सीखिए। सीखने में बहुत टाइम लगता है ना। रॉन्ग एस्टिमेट मत करिए, रॉन्ग एस्टिमेट बहुत सारे लोग करते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने मिसगाइड करा, बताया ही नहीं कुछ भी, बोलते थे दो दो तीन तीन साल इंतजार करो, अभी ये होगा अभी वो होगा, तो बैठे नहीं रहना हाथ पे। आपके पास जो है जहां से जैसे आप कर सकते हो, टेक्निक और तरीके मैं बताऊं, ठीक है, कैसे क्या करना है। जैसे मुझसे लोग बोलते हैं तुम्हारा यार, तो मैं कोलैबोरेट करता हूं। कोलैबोरेट मतलब लोगों के साथ मिल के काम, ठीक है। तो लोगों के साथ मिलते हैं, जैसे एक 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 अम्ब्रेला है, एक पेरेंट है, उसके छतरी के नीचे तीन लोग काम कर रहे हैं, चार लोग काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा लेना होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर हो। तो आप भी जब दूसरे के साथ काम करेंगे तो दूसरे का ख्याल रखते हुए, सिंपैथी तो जरूरी है, सिंपैथी तो सबके अंदर होती है, बट एक वर्ड होता है एम्पैथी, वो एम्पैथी होना चाहिए। एम्पैथी का मतलब है समानुभूति, समानुभूति का मतलब एक जैसी फीलिंग। अब जैसे मैं शुरुआत में जाता था, लोगों से पूछता था कि भाई बता दो यार कैसे होता है, क्या होता है, फाइल कैसे बनेगी, ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, बताते नहीं थे मुझको। और जहां मैं ऑफिस में जाता था, बहुत कम एज थी मेरी, और वहां ऐसे करके इतने मोटे मोटे तोंद वाले पेट वाले बहुत एजेड लोग, जो जगलर लोग होते हैं, वो बैठे होते थे और मुझको देख के बड़ा चौंकते थे, वो कहते तुम कैसे यहां जैसे पहुंच गए हम, और भाई बनने नहीं देते थे मेरा काम, बहुत दिक्कत होती थी। तो मैंने सोच लिया था उसी दिन कि जिस दिन मैं कवर करूंगा उस दिन मैं सोसाइटी को ये बैक करूंगा, लौटाऊंगा, ठीक है। तो हाँ, आपके पास नहीं है तो उसके लिए डीलिंग सीखना होती है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं उनके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो आपको तीन चार चीजें सीखना होंगी। पहले नंबर पे तो है कि आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑफर आना चाहिए, मतलब ऐसा ऑफर हो, बेस्ट ऑफर, कि वो जितनी भी फाइल गई हो उनमें मेरा प्रपोजल, मेरा प्रोजेक्ट, मेरा ऑफर बेस्ट हो, मतलब मुझे पहले नंबर पे सिलेक्ट हो। जैसे 100 फाइलें आई हैं ऐसे करके गट्ठर लगा हुआ है, तो मेरी फाइल कैसे सिलेक्ट हो, वो होती है विनर्स एक्सचेंज से। जब तक आप विनर्स एक्सचेंज नहीं सीखेंगे तब तक आपकी डील क्लोज नहीं होगी, तब तक आप जाएंगे और पैसा लेके कैश या चेक में वापस नहीं आ पाएंगे। वो क्लोजिंग स्किल्स सीखना होगी कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कौन सी पिच तैयार करना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको अपनी तैयार करनी होंगी। तो अगर आप वो सारी चीजें सीखने के लिए तैयार हैं, मैं सिखाने के लिए तैयार हूं, आप सीखने के लिए तैयार हूं, तो कमेंट में यस करें और हम डेली 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 उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि ऑफर कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, कमेंट में यस करें तो मुझे पता चलेगा हाँ कितने लोग मुझे सुन रहे हैं। वरना स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है होने दें, स्पेलिंग डजंट मैटर, सिर्फ आपका मुझे वो देखना है जोश जज्बा, बाकी लोग सो रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो वो कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे प्रपोजल बनाना है, कैसे डील को डन करना है, कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, फिर कैसे फॉलो अप करना है। फॉलो अप मेन होता है, फॉलो अप जानते हैं ना, फॉलो अप का मतलब होता है कि आपको किसी किसी से कोई काम करवाना है तो उससे लग के काम कराना है। ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में आप गए और मामला डन, आप आज ही गए और आज ही आपको सोने की मटकी मिल जाएगी, आज ही खुदाई की और आज ही सोने की मटकी मिल गई, तो वो नहीं होता है, प्रोसेस होता है। कितनी बार में डील डन होती है, कम से कम 5 बार में, कम से कम 5 प्रोसेस है। पहला क्या है, मीट एंड ग्रीट, पहले नंबर पे मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। मीटिंग का मतलब क्या है, मीटिंग का मतलब है कि इंप्रेशन ऐसा हो, जबरदस्त इंप्रेशन, अधिकारी देखे और कहे हाँ यार ये जेन्युइन बंदा है यार, इसमें कुछ है, दम है ना। मीटिंग हो, प्रेजेंटेशन है, आपके कपड़े कैसे हैं, आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आप हाथ कैसे शेक हैंड करते हैं, आई कॉन्टेक्ट कैसे मेंटेन रखते हैं, है ना, चेहरे पे स्माइल है कि नहीं, अंदर से डर रहे हैं तब भी कोई मैटर नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंट दिखें, मतलब एक्सपीरियंस बंदा हो, जिसको जिसको सर्टेनिटी हो। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, सर्टेन, आपको खुद ही पे विश्वास ही नहीं है, आप सर्टेन नहीं, आप डर रहे हैं, डगमग डगमग, अधिकारी कुछ पूछ रहा है, आपके हवा खराब, तो वो क्या है, वो समझेगा कि यार ये जेन्युइन है नहीं है, है ना।
तो वो सर्टेनिटी मस्ट है। सर्टेनिटी कैसे आती है वो मैं सिखाऊंगा, तीन स्टेप में सर्टेनिटी आपके अंदर आ जाएगी। ठीक, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में होता है प्रोजेक्ट प्रपोजल, आपको अपना प्रपोजल देना होता है, आप फाइल कैसे सबमिट करना है, किधर से भेजना है वो। उसके बाद में आएगी आपकी क्लोजिंग स्किल्स, के डील को डन करना है, क्लोज करना है, क्लोजिंग स्किल्स मेन होती है। और फिर उसके बाद आता है फॉलो अप, जैसे फाइल पूरी रेडी करी, आप में से कितनों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कितनों ने आपने वर्क करा है, एक्सपीरियंस है, उसको अच्छे से प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने बारे में एक्सप्रेस करना। अभी मैं आपसे कहूं, आप में से कितने लोग हैं जिनका एक 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 लाइन का वो है नारा, जैसे नारा मतलब, नारे को मतलब गलत मत ले जाइएगा, मतलब एक लाइन में आप एक्सप्रेस अपने आप को करेंगे तो कैसे करेंगे आप बताएं। अभी मैं आपसे कहूं एक लाइन में अपने आप को एक्सप्रेस करें, जैसे जैसे वो नहीं होता है लाइफ बॉय, तंदुरुस्ती है जहां, और वो नहीं एक डायलॉग होता है उस निर्मा का होता है, पहले इस्तेमाल करें पहले विश्वास करें। तो ऐसे आप, आपकी जो संस्था है आपका एक कोई डायलॉग है नहीं, LIC का जैसे होता है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, है ना, तो इस तरीके से एक कोट है आपके पास, नहीं होगा, अगर है तो मुझे कमेंट में बताएं, एक कोट होना चाहिए। जैसे हमारी एक संस्था है तो उन्होंने अच्छा कोट रख रखा है, उनका है संस्था का नाम मैं भूल गया, पता नहीं क्या उन्होंने वो लिख रखा है कि हम आपके साथ हैं, है ना, तो इस तरीके से, और बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो वो एक एक लाइन में मतलब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर दें, लोगों को मालूम हो जाए कि हम हेल्प करते हैं नहीं करते हैं, लोगों की क्या करते हैं, तो वो सारी चीजें क्लियर हो। ठीक है, तो इतना ही काफी है, बाकी मुझे कमेंट में करिए कौन लोग सीरियस हैं कौन लोग रियल में सीरियस हैं, तो वो उनको फिर मैं आगे ट्रेनिंग और डेली डेली गाइडेंस सपोर्ट हेल्प वोट दुआ ये मेरी तरफ से पूरी है आप लोगों को। ठीक, उसके बाद में जिन्होंने पर्सनल मीटिंग पर्सनल विजिट अपॉइंटमेंट नहीं लिया है वो लोग अपॉइंटमेंट विजिट ले लें, बिलीव मानिए मैं बहुत बड़े गेम में हूं, तो मैं चाहता हूं कि मुझे प्लेयर्स चाहिए, मुझे खिलाड़ी चाहिए, तो गेम में आने से पहले आपको गेम सीखना होता है, गेम के नियम सीखना होते हैं, है ना, आपको स्पेक्टेटर नहीं बनना, बाहर बैठ के देखना नहीं है, स्पेक्टेटर पेज प्लेयर्स गेट पेड, आपको क्या करना है, आपको प्लेयर बनना है, खिलाड़ी बनना है, मैदान में आके खेलना है। और लॉन्ग टर्म गोल, जिनके शॉर्ट टर्म गोल हो भाई साहब वो मुझसे बात ना करें, जो चाहते हो कि बस थोड़े दिन बस करो उल्टा सीधा गड़बड़ सड़बड़ और निकल लो, वो मुझे कॉल ना करें, वो मुझे मैसेज ना करें। जिनके लंबे लॉन्ग टर्म गोल्स हो, जो एथिकली मतलब जो विश्वास के साथ में अच्छे से काम करना चाहते हो लोगों के साथ और लॉन्ग टाइम तक, वो लोग मुझसे मिले, मैं उनके लिए तन मन धन से और 24 घंटे 365 दिन अवेलेबल हूं। आप एक फोन करिए, मैं आपके लिए हमेशा हूं, जहां पे जहां बताएंगे जैसे बताएंगे जो बताएंगे उसके लिए मैं हर चीज करने को तैयार हूं। मैं मरना चाहता हूं तो मैं सब कुछ दे के, ये नहीं कि मैं अपने पास लेके मर जाऊं, है ना, तो आप अपने साथ लेके मर जाएंगे, किसी का भला नहीं होगा, आप दे के जाएं, सोसाइटी को बैक करना होता है। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो 8 बजे वाली मीटिंग जो है वो हमारी टीम बिल्डिंग की होगी, टीम बिल्डिंग है और बहुत सारी चीजें हैं, डेली डेली धीरे धीरे हम लोग करेंगे, क्योंकि ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप एकदम से बहुत ज्यादा दे देते हो, तो कुछ लोग नए हैं तो उनको बाउंस हो जाता है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैं तो बहुत तेजी में सारी चीजें देना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं सर आपको तो ज्ञान है, और हमको सर बाउंस हो जाता है, पता ही नहीं चलता क्या बताया आपने क्या नहीं, तो थोड़ा थोड़ा कहते दिया करिए, लेकिन रोज दिया करिए, और रोज मैं थोड़ा सा दे नहीं पाता हूं, क्योंकि समय की थोड़ा सा मेरे पास दिक्कत रहती है, काम बहुत रहता है तो टाइम की दिक्कत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में, और जिनको ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए हो बहुत सारी मेरे पास है तो वो भी मैसेज कर दें, मैं सब दे दूंगा। ठीक है, चलिए, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, ओके, टाटा, बाय बाय, ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।